अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना नहीं मिल पाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में आने से इनकार कर दिया था और अब उन्होंने नीति आयोग की बैठक में आने से मना कर दिया। ममता ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब नीति आयोग के पास कोई अधिकार है ही नहीं तो बिना मतलब के इस बैठक में आने का क्या फायदा। ममता बनर्जी ने 3 पेज की चिट्ठी लिख नीति आयोग को लेकर कई सवाल दागे। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मुझे इस बैठक के बारे में बताया गया है, लेकिन इसको लेकर मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी। ममता ने कहा कि जब योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया था तब किसी भी मुख्यमंत्री से नहीं पूछा था। बंगाल की मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि जब नीति आयोग किसी भी राज्य को वित्तीय मदद नहीं कर सकता है, ना ही राज्य द्वारा चलाई जा रही योजना में किसी तरह की सहायता करता है, तो फिर इस बेमतलब की बैठक में आने का क्या फायदा है। ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ना खाता ना बही, जो ममता कहे वही सही। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में देश का नहीं बल्कि ममता का संविधान चलता है। ममता जी वो कुछ भी कर सकती है, ना उनको भारत के संविधान पे विश्वास है, ना भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था उसके ऊपर विश्वास है। वो सिर्फ अगर वहाँ पर कुछ कानून चलता है तो ममता जी का कानून चलता है, भारत का संविधान नहीं चलता वहाँ। अभी उनकी मर्जी है, तो ममता जी जो कहे वो सही, न खाता न बही, ऐसा बोलते हैं बंगाल की। 15 जून को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नीति आयोग के सदस्य और केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक होगी।